हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आरिका आज पहली बार के लिए शुरू करने वाली हूँ एक नई सीरीज। थंबनेल देख के आप सभी लोगों को तो पता चल ही गया है, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ। तो आज का गेम प्ले का नाम है जेंशन इम्पैक्ट। मुझे याद है मैंने बहुत दिन पहले बोला था, डाउनलोड करके भी रखा था, बट खेलना नहीं हो पाया। तो आज मैंने इस गेम को खेला। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा गेम है और स्टोरी तो उससे भी ज़्यादा तगड़ी है। तो चलो यार, बिना देर किए पहले ना गेम पे चलते और देख लेते क्या क्या चीज़ें हम लोगों को उधर पे नई नई देखने को मिलती है। ओके, तो अभी इधर पे गेम तो शुरू हो चुकी है और जितना मुझे समझ में आ रही है इधर पे दो स्टार किसी जगह पे आ रही है। ओके, अच्छा, ये कोई स्टार नहीं था एक्चुअली, ये दो बंदा था, मतलब एक बंदी है आई थिंक, एक बंदी या फिर दोनों ही लड़की है यार, कुछ समझ नहीं आ रही है। ओके, वेट, ओ शिट, ये कौन है? ओह नो, ये क्या हो गया भाई? और किसका साउंड्स भाई साहब, इधर पे तो मतलब जहर बना दिया इस गेम को यार। अब तो ये दोनों खत्म। अब इसने इधर पे इन लोगों के पीछे क्या ना क्या छोड़ दिया। बाकी इतना मुझे समझ में आ रही है कि ये इधर का गॉड है, ठीक है ना। ओह शिट, अच्छा इधर पे दो कैरेक्टर दिया गया तो मुझे एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इस कैरेक्टर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, अपना नाम भी रख देते हैं इधर पे फटाफट से। तो इधर पे एक लड़का है या लड़की है, तो मैं तो लड़की का ही लूँगी ना। तो ऑब्वियसली वो भाई साहब इधर पे एक क्या कर दिया इसने। ओ शिट, इसने मेरे ब्रदर को ये भाई क्यूब में बदल दिया इसने। एक सेकेंड, एक ऐसे टाइप्स का गॉड है यार जो कि सभी को मार दे रहा है भाई, ये तो गलत सीन हो गया। ओ शिट, अभी इसने कुछ ऐसा किया जिस कारण मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, मेरा हाथ फ्रीज हो चुकी है पूरी। अरे यार इधर पे तो पूरा जकड़ दिया और इसने मेरे ब्रदर को लेके भाग गया इधर से। ओके फाइन, तो अभी तक तो मुझे समझ में आ गई कि क्या क्या हो रही है। तो अभी इतना अब तक तो हो गया। अभी ये जो लड़की मतलब मैं अभी सारे जगह घूमे जा रही हूँ, सारे वर्ल्ड टू वर्ल्ड अभी मुझे जाना पड़ेगा, जो कि इस गेम की खूबसूरती है, ठीक है ना। और पहले मैं एक वर्ल्ड पे आऊँगी जहाँ पे मुझे ये पाइमन मिलती है और ये पाइमन को मैं बचाती हूँ। ये एक दिन डूब जा रहा था उस मोमेंट पे और तब से ये मेरा दोस्त बन चुकी है और ये मुझे अभी इधर पे एज अ गाइडर मुझे गाइड करने वाली है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग से जो चीजें होने वाली है ना, कि इधर पे ऐसा आई थिंक 7 वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये 7 वर्ल्ड के अंदर पे अभी मेरे को समझ आ रही है, ठीक है। तो अभी मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा और ये 7 वर्ल्ड आई थिंक यही मुझे मदद करेगी, वो तो नहीं पता। बाकी इसके पीछे मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। बाकी ये क्या है भाई, एक सेकेंड, एक कोई टेलीपोर्ट वे पॉइंट है ना। तो इधर से ओके, तो अभी इधर से मैं इधर से टेलीपोर्ट हो सकती हूँ, इतना तो समझ आ रही है। तो बाकी ये सामने इतना दूर जाके क्या कर रहा है, स्टेमिना इधर भी इतना खतरनाक वाला कम दिया है ना कि उधर पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है ना। तो अभी इधर तक तो पहुँच गई हूँ। अभी ये बोल रही है कि इधर से मुझे क्लाइम करके चढ़ना पड़ेगा। ये बहुत बोलती है इसलिए मैं इधर पे भाई स्किप करने वाली हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत बोलने वाली ये गैजेट दिया है जो भी है पाइमन मेरे साथ। तो अभी इधर का सारी क्वेस्ट तो एक एक करके कंप्लीट होते जा रही है। पहले तो सारी चीज़ें ईजी होती है सीरियसली, बट बाद में बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, आई नो। बट इधर भी एक वाटरफॉल है यार, रुक जा, तेरे साथ बाद में जाएंगे, उससे पहले मेरे को इसको चेक करने दे। तो चलो फटाफट से इस पानी भी तो हम तैरने के लिए उतर चुके। सामने क्यों नहीं जा पा भाई, ड्राउन हो गई मैं भाई, गलत में तो जाना ही नहीं चाहिए था। तो फिर से एक बार मैं रिस्पॉन होकर आ तो चुकी, बट हेल्थ भी इधर पे घटे जा रही है। एक सेकेंड, ये क्या है भाई, सा इधर पे फ्रूट्स वगैरह है। मैं भाई 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 भाई, ये तो क्या नाम है, सुन शेटी भाई, क्या नाम है पता नहीं। तो जो भी हो, ये सारे अनार को हम इधर पे उठा लेते हैं। तो अभी इधर से फटाफट से इधर से निकल जाते हैं, इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। बट इधर पे स्टेमिना अभी खतरनाक तरीके से घट रही है, ये चीज़ मुझे अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। और इधर से बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे मिल रही है कलेक्ट भी कर सकते। बाकी शायद हम लोग अभी ये से यार हम लोग आ चुके फाइनली एक सिटी के ओर। फाइनली वी आर इन जेंशन इम्पैक्ट, है ना। तो अभी शुरू हो चुकी है इधर से, एक सेकेंड कुछ बोल रही है। अच्छा ये 7 स्टैचू का एक स्टैचू है और ऐसा 7 स्टैचू और भी है ना।
और ये सात स्टैचू में से ये वाला वाइंड का स्टैचू है, वाइंड गॉड का, ठीक है। और ये भी बोलता है कि अच्छा ये लड़की मतलब मैं इधर पे एनिमो गॉड्स को ढूंढने आई हूँ, पता नहीं एनिमो गॉड्स क्या है मुझे नहीं पता, तो जो भी हो इधर पे मैं जो गॉड को ढूंढने आई हूँ वो मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगी, और ये वाला वाइंड का गॉड है इतना मुझे इससे पता चला। तो अभी ये जो सात सात गॉड है इस साड़ी को आई थिंक हराना पड़ेगा और या फिर इनका मन जीतना पड़ेगा, वो तो अभी तक नहीं पता, बट इतना पता है कि इन लोगों को हराने के बाद आई थिंक मैं अपने भाई को इधर से रेस्क्यू कर लूंगी, ठीक है ना। तो चलो यार इसके पीछे पीछे इसको फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात इधर पे मेरा स्टेमिना खतरनाक तरीके से घट रही है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ सही से, बट ये मुझे रास्ता दिखाते जा रही है कि कहाँ जाना है। बट सामने मुझे जो दिख रही है कि और एक स्टैचू टाइप की कुछ दिख रही है, बट इधर से मुझे पानी को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। बट पानी का कलर देखो यार, क्या है सही कलर है इधर पे, वाह यार भाई साहब, मैं तो इधर पे पानी में सारे दिन नहाने के लिए बैठ जाऊँ भाई, बहुत ही सही पानी है। तो अभी इधर से मैं तो सामने आ चुकी हूँ, अभी देख लेते भाई कुछ तो हो रहा है। ओके क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्राई बूट करना पड़ेगा क्या? अच्छा स्विच होगा है ना, हाँ यार स्विच टाइप का ही कुछ है। तो इसको जैसे ही मैं हाथ लगाती हूँ ये ऑन हो जाती है। ओके भाई ये कत्ते जहर लग रही है, रुको 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 भाई ये कुछ आ रही है मेरे तरफ। ऑल राइट तो इससे मुझे पावर मिली कुछ, आई थिंक मुझे पावर मिल गई अभी अभी, कुछ स्पेशल एबिलिटी इधर से मुझे मिलने वाली है। उससे पहले ये वाला मैप ओपन हो जाती है जहाँ पे बहुत सारा प्लेसेस तो दिख रही है, आई थिंक एक एक करके सारे को मुझे ओपन करना पड़ेगा, पता नहीं और बहुत सारी चीज़ें तो होने वाली है बट क्या होने वाली है अभी तक नहीं पता। फिर से बकड़ी यार, फिर से फालतू का बकड़ी है, ये बोल रही है कि मुझे शायद पावर को फील हुआ ऐसा कुछ बोल रही है। अच्छा छोड़ो हटाओ यार। तो अभी जो सिटी में हम लोग आए हैं वो मॉन्स्टेट आई थिंक वाइंड के सिटी है वो तो पता चला, बट इधर भी कुछ स्पेशल एबिलिटी मुझे मिली है जो कि देखो ये प्रेस करने से हो रहा है, अभी रुको क्यू प्रेस करने से आई थिंक और भी सारी चीजें होने वाली। ये यार ओ भाई ये तो काफ़ी सही है भाई, एक के साथ में तो आग जल गई, बट ये आग उन लोगों को लगा नहीं क्योंकि मेरा यही मेरे पे बहुत ही गंदी गू वाली थी, इस कारण इधर पे नहीं लगती तो गलत सीन हो जाती है। तो चलो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा सही है, अभी मुझे पता नहीं कि मुझे ये सारी चीज़ें क्यों दिया जा रही है। ओके इधर पे बहुत सारे अचीवमेंट्स वगैरह भी खुला जा रहा है। ऑल राइट तो ओनर्स ऑफ द वर्ल्ड मेरा हो गया, लेट द वाइंड लेड। ओके तो इधर पे अगर मैं क्लेम करूँगी तो मुझे 5 अचीवमेंट पॉइंट मिल चुके हैं। चलो अब इसके पीछे चलते हैं, बट ये सामने क्या है, इसको क्या कर रहे हैं हमें, रुको एक सेकंड, ये तो ओए क्या नाच कर रही है भाई, ये मॉन्स्टर है छोटी वाले मॉन्स्टर, रुक जा रुक, भाई भाई कुछ तो मार रही है भाई, मैंने पहले कुछ नहीं किया इसको भाई, ये रुक जा तेरे को बताते हैं हम इधर पे, भाई इधर पे मेरे को भाई इधर पे कुछ मिला, मोड़ा मोड़ा भाई मोड़ा क्या है, कॉइन है कुछ शायद भाई, इधर पे नाम ऐसे ऐसे दे रहा है ना, मतलब मुझे ना दिमाग में नहीं घुस रही है कि एक्चुअली में ये क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। तो अभी इधर पे मेरे साथ पाइमन, क्या गद्दारी है यार, पूरा गद्दार निकला इधर पे, देखो कहाँ चली गई 517 मीटर, बट मैं ड्राउन हो गई भाई, फिर से मर गई यार। तो फिर से एक बार स्पॉन हो गया तो आ चुकी है, अभी मैं बिल्कुल स्टैमिना अपना घटाया नहीं हूँ, बिल्कुल स्टैमिना रख के फिर मैं इधर पे कूदती हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इधर से चढ़ जाती हूँ भाई, जो भी गलत सीन होना है ना मेरे साथ ही होना है। बाकी ये देखो ये मेरा पाइमन गाइड बना है ना मेरे इधर पे, गाइड कैसा गाइड है देखो, कितना दूर चला गया, 400 मीटर क्रॉस करके निकल गई है, कोई मतलब बंदी है भाई, रुक ओ शिट ये क्या है भाई, ये बहुत अच्छी चीज थी भाई, ये क्या था भाई, ड्रैगन इधर पे भाई मजा आ गया यार, इधर पे ड्रैगन वगैरह है क्या भाई, भाई बहुत मजा आने वाला है। तो फिर तो इससे मान लेते हैं, इससे मुझे मोड़ा मिल जाएगी, तो उसका लालच तो है ही, आप लोगों को पता ही है लालच के चक्कर में हम हमेशा मरते हैं इधर पे। तो अभी फिर से आ ही चुके हैं तो मार ही लेते हैं, क्या कर सकते, अभी ये सब का आदत तो मेरी जाएगी नहीं, आप लोगों को पता ही है चीज। तो चलो फटाफट से इधर से जाते हैं, बट ड्रैगन को देखना है भाई, वो बहुत ही सुंदर ड्रैगन था यार, मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आई, फटाफट से चलो चलते हैं। बट इधर पे कुछ आवाज आ रही है यार, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे इधर पे, एक सेकंड सामने फटाफट से चलते हैं। बाकी पाइमन इधर पे पूरा गद्दा निकली यार, मेरे को छोड़ के इधर से भाग गई, चलो फाइनली ये देखो इधर आके खड़ी थी, समझ रहे हो ना। तो अभी इधर से चलो सामने की तरफ चलते हैं, कुछ तो इधर पे आई थिंक होने वाला है अभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बट वो क्या होने वाला आई थिंक हम लोग सिटी में पहुंच ही गए हैं, ठीक है ना। तो अभी चलो फटाफट से क्या हुआ,
ओह, इधर भी ये ड्रैगन के साथ कोई लड़का बात कर रहा है। ओ भाई, उल्टा है, ड्रैगन को बोल रहा है कि तू डर मत। मतलब ये क्या हो रहा है? शिट, गलती हो गई। ओ भाई, मैन, इधर पे पता चल गया इन लोगों को कि हम लोग छुप के देख रहे थे, और ये ड्रैगन हो गया है बहुत ही ज्यादा गुस्सा। अभी क्या करने वाला है? और ये लड़का गायब हो गया। ये लड़का गायब कैसे भाई? इधर पे क्या जादू नगरी है क्या ये? अरे यार, तू चुप रहा है यार, तेरा नहीं सुनना। तू चल पहले, ये सब बातें बाद में करना, तेरा बकबक मेरे को बिल्कुल सुनना नहीं है। तो बराबर से सामने कुछ तो इधर पे ड्रॉप करके, गलती से हो या फिर जो भी हो, कुछ तो ड्रॉप करके गया है। तो ये क्रिम्सन क्रिस्टल कुछ तो है, जो कि पाइमन बोल रही है कि उससे नहीं पता ये क्या है। ये मतलब इसको कुछ पता भी है, मतलब पता तो नहीं है कुछ भी, फिर भी मतलब इसको बकना बहुत जरूरी है, मतलब इससे बकना है कुछ भी बोलो। बट इसको पता नहीं कि ये डेंजरस है भी क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता, फिर भी मैं इसे रख लेती हूँ, ठीक है ना? कुछ तो काम में लगने वाली है सामने जाके ये। तो अभी देखो, ये फिर से मेरे को छोड़ के भाग रही है, तो अभी इसके पीछे फिर से जाना पड़ेगा। स्टेमिना इधर से फिर से घट रही है, और इधर पे हम दोनों आ चुके हैं। कब आएंगे वो तो पता नहीं, बट इधर पे कोई तो पीछे आ रही है। क्या वही गॉड? नहीं यार, ये गॉड नहीं है तो कोई। ओ भाई, एक सुंदर सी लड़की आई है, May the animo god protect you, stranger. कुछ तो बोल रही। I am Amber, अच्छा outrider for the Knights अच्छा of ये एम्बर है। Avernus. हेलो एम्बर, हेलो हेलो हेलो, ये You नाइट don't ऑफ look like फेविनियंस है। citizens of अच्छा Mont. अच्छा फाइन, तो सब कुछ समझ में आ गई। तो इसने बताया कि ये एम्बर है, जो कि फेबिनियस बोल के कोई एक ग्रुप है, आई थिंक सेनाओं की होगा, है ना? तो उसका ये एक योद्धा है, ये भी बोला। और इधर पे सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो हो रही है ना, देखो अभी ये एम्बर का कैरेक्टर भी मैं अभी प्ले कर सकती हूँ, और मेरा कैरेक्टर भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इधर पे जो एम्बर था, उसने ये बोल के गया कि तुम लोग इधर पे बाहर पे मत घूमो, क्योंकि इधर पे स्टॉर्म टेरर बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी वो सब छोड़ो, स्ट्रोम टेरा तो आने वाइन का सिटी है, तो इधर पे स्ट्रोम आना नेचुरल सी बात है। और इधर पे मुझे एम का प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, तो चलो फटाफट से एम करके इसको हटाते हैं। चलो हो गया इधर पे एम प्रैक्टिस। तो जैसे ही मैं एम प्रैक्टिस कर लेती हूँ, मुझे इधर पे एक गिफ्ट दिया है। तो चलो गिफ्ट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मुझे इधर से मिलने वाली है। तो अभी इधर से बहुत सारी चीज़ें तो मिली है, शर्ट मिली है, एनहेंसमेंट और मिली है। चलो यार, सारे कुछ मैं उठा तो लेती हूँ, बट घंटा मेरे को पता है क्या कि ये सब चीज़ों से क्या होने वाले। ओके, तो अभी इधर पे देखो, दो कैरेक्टर मुझे मिल चुकी है, जो कि है अपना कैरेक्टर और दूसरा है एम्बर की कैरेक्टर, ठीक है? तो एनिमो स्लैश एरिकन, पायरो स्लैश एम्बर, कुछ समझ नहीं आ रही यार क्या हो रही है। तो जो भी हो, अभी इधर पे जो इतना पता चला कि ये इधर पे स्ट्रोम ट्रेनर बहुत ज़्यादा आती है, आई थिंक स्ट्रोम है ना, बहुत ज़्यादा झड़ वगैरह होता रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह, आई थिंक क्योंकि वेंट के सिटी है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना तो पड़ेगा। इसलिए एम्बर ने बोला है जल्दी से जल्दी सिटी की तरफ चलो, और सिटी पर आ जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों को घुसा दूंगी सिटी में। आप लोग बाहर से आए हो, ऊपर से आप लोग इधर पे सिटी पे ऐसे ही एंट्री नहीं ले सकते हो, तो एम्बर इधर पे हम लोगों का मदद करेगा, ठीक है ना? तो इधर पे देखो, और एक टेलीपोर्ट वे पॉइंट को मैं इधर पे इन्वेंट कर चुकी हूँ, तो इधर से भी मैं टेलीपोर्ट हो सकती हूँ, काफी सही बात है। बट पीछे वो भाई साहब, इधर पे गदा लेके कोई आ रहा है भाई। हेलो, हु आर यू मैन? मार क्यों रहा है? ये तो कोई इंसान नहीं लग रहा है, ये मुझे कोई जानवर लग रहा है, मतलब मॉन्स्टर लग रही है भाई साहब। ये कैसे अपना डंडा लेके मेरे पीछे आ रहा था भाई? मैंने अगर सही टाइम पे ध्यान नहीं देता भाई, मेरा इधर पे सर तोड़ देता ये यार। तो चलो अभी सामने की तरफ चलते हैं। ये कहाँ चला गया यार? इधर पे क्यों भीड़ गया भाई? मैं तो किसी विलेज में आ गई। विलेज नहीं है, इधर पे मॉन्स्टर है। हेलो, ऐसे नहीं कर सकता यार, कि ये पाइमन मेरे को भिरा दे रहा है यार कहीं पे भी, और इधर पे मेरे को खेलना नहीं आता। अरे यार, अपना गदा अपने पास रख रही है। अरे यार, हट जा भाई, कैसे मार रहा है ये लोग? रुक जा यार, मेरे को इधर पे चलाना नहीं, तो मैं शॉट चलाती हूँ यार, मेरे को नहीं खेलना आ रहा है यार तीर से। इधर से फटाफट इन लोगों को हटाते यार, अपना भाई भाग, निकल निकल इधर से, अभी नहीं, अभी नहीं बिल्कुल भी। बट ऊपर वाले को आई थिंक ये वाला मैं अगर तोड़ दूंगी तो ये नीचे आ जाएगा, रुक जा इसको तोड़ के। ये गलत है यार, इधर पे है भाई काट का बना हुआ है, फिर भी ये टूटता नहीं है, गलत सीन हो गया इधर पे। रुको यार, एम्बर के कैरेक्टर से हम इसको उड़ाने वाले, बट इधर पे बहुत ही गंदा तीरंदाजी करते हुए अपना इधर पे सारे शॉट
भाई मेरा इज्जत लुट जाएगी इधर में भाई, मारने ही पहाड़ियों में रुक जा, तेरे को बताते हम भाई। नहीं लगा 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 इस बार लगा था, ये देखो ये कटा इसका। तो अभी फिर से एक बार ट्राई करते हैं, बट इस बार नहीं लगती है, किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक है ना। तो अभी रुको, अभी फिर से और एक मारते हैं भाई। मर जा यार, क्या कर रहा है भाई, बेइज्जत करे इनका क्या। और ऊपर से ये मार रहा है, मेरा हेल्थ भी इधर पर गिर रहा है भाई। रुको एक सेकंड, अच्छे से मारना पड़ेगा, अच्छे बच्चे है ना, जल्दी से गिर जा भाई। चलो यार फाइनली ये तो गिर गया है, कम बट नॉल ले चुके भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इधर पे बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह तो दिख रही है इधर से मुझे शायद कुछ। अरे भाई तू तो जिंदा कैसे हो गया, तू तो गिर गया था। अभी शॉट चलाएंगे अब, मेरे से नहीं हो रहा है तीरंदाजी वगैरह, फटाफट इधर से मारते हैं, इसको हटाते इधर से। चलो यार फाइनली इधर पे ये वाला पोजिशन भी खो जाती है, और इधर पे एम्बर बाद में आता है, और ये मेरे से बहुत ज्यादा सरप्राइज है, ये बोल रही है, मेरे मुंह देख के भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुकी है। अभी ये बोलती है कि इधर पे देखो, फिर से वार्न करके गया कि देखो स्टॉर्म टेरर कभी भी हो सकती है, बेटर यू गाइस कम इन, ठीक है। तो अभी इधर पे जो भी चेस्ट बॉक्स मुझे मिल रही है सारी को मैंने इधर पे कलेक्ट कर लिया। अभी चलो फटाफट से उसके पीछे जाते हैं, क्योंकि देखो उसने वार्निंग देके गया, और वो अगर रहेगी तब तक ही मैं उस सिटी में घुस पाऊंगी, नहीं तो वो चली जाएगी तो नहीं होगा। तो उसका इंस्ट्रक्शन मानना इधर पे बहुत जरूरी है। तो फटाफट मैं इधर पे निकल पाती हूँ, और वो रहा वो सिटी, फाइनली वी आर इन द सिटी। यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी आ रही है अंदर से, अलग ही एक फीलिंग आ रही है। तो चलो यार फटाफट से दौड़ लगाते यार अंदर। ओके इधर पे कुकिंग वगैरह चल रही है, देखो पीछे कुकिंग वगैरह चल रही है। चल चुकादर गया भाई, दिख नहीं रही है, जो भी हो। तो चलो फटाफट चलो इधर से सिटी में घुसते हैं, क्योंकि एम्बर हम दोनों के लिए वेट कर रही है, वो हम लोगों को सिटी में एक बार एंटर करवा देगा, नहीं तो बाद में हम लोगों को घुसने थोड़ी ना देगा उसके अलावा। तो अभी चलो अभी फटाफट से इधर से हम ब्रिज को टाप टूप के इधर से घुस गए। इधर पे एक लड़का देखो चिड़िया को दाना दे रही थी, मेरे को मतलब कोई इज्जत विज्जत नहीं है, मैं मिडल से ही दौड़ लगा दिया। इधर पे सारे पंछी मेरे को देख के भाग रही है, डर रही है, मेरे को कोई मतलब इधर पे शर्म बोल के कुछ नहीं है। अभी देखो ये रहा वो सिटी जिसके पास हम लोग फाइनली आ चुके, वाइल्ड गॉड की सिटी है भाई, काफ़ी ज़्यादा मजा आ रही है। हेलो इधर पे देखो बहुत सारे भाई, बात करने तो दे देता थोड़ा देर यार, कैसा है भाई। चलो अंदर तो आ चुकी है, इधर पे देखो भाई सच में ही वाइन सिटी है, काफ़ी सही डेकोरेटेड सिटी है, इतने ज़्यादा कलरफुल वगैरह भाई, वाइन गॉड होगा ये यार, क्या ही झेल लग रही है यार। तो ये भी एक लड़की है, बट नहीं लग रही है कि ये वाला गॉड मेरे साथ ऐसे अन्याय कर सकते, वो गॉड कोई अलग ही होगा, ठीक है ना। तो अभी देखो एम्बर हम लोगों के लिए वेट तो कर रही थी, और इधर पे मुझे फिर से एक बार इंट्रोड्यूस करा देता है कि ये वाइंड की सिटी है, ब्ला 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 बोलती है, फिर बोलती है तुम इधर पे आओ, आने के बाद सामने की तरफ आओ और ऊपर आओ, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। तो अभी उस गिफ्ट को लेने के लिए मुझे इधर से जाना पड़ेगा, बट इधर पे मैं ना देखो इधर पे क्लाइंब करके मेरे को चढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉरियर सा एक चीज़ है, बट ऐसे करके मैं चढ़ रही हूँ, क्या ही कर सकती हूँ। अभी मेरे पास ये वाला एबिलिटी तो है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, कि ऐसे स्पाइडरमैन की तरह मैं इधर से कोई भी वॉल को टाप सकती हूँ, समझ रहे हो ना। देखो ऐसे स्पाइडरमैन बन चुकी हूँ मैं, स्पाइडर हूँ मैंने ये। तो चलो यार सामने की तरफ चलते हैं, और इधर पे मैं तो आ चुकी हूँ। अभी सामने मुझे ना सच में घंटा समझ नहीं आ रही है जाना किधर है, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर ना है यार, इधर पे खड़े होके रहो कुछ सिटी को घूमो घूमो बहुत मज़ा आएगी सीरियसली, बट खेलना तो पड़ेगा ना, क्योंकि खेलने पे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लगने वाली है। तो अभी एक गया ही किधर यार, किधर गई मेरे को ढूंढ ही नहीं पा रही हो भाई। इधर पे एक एक फोर्ट जैसे साड़ी कुछ बना हुआ है भाई, क्या ही जहर बना दिया इस गेम को। और ये गेम इतना बड़ा है मैंने सुना है, और इसका स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड एपिक होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि इधर पे एक गॉड के पास हम आए हैं, ऐसे और 6 गॉड है जिसके पास भी मुझे शायद जाना पड़ेगा। अभी ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है, ऊपर से टफ भी। तो अभी देखो वाइन सिटी का और एक इधर पे मुझे एक फोर्ट दिख गई, उधर पे देखो वाइन का वो घूम रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बाकी एम्बर किधर है यार, एक सेकेंड यार सामने होगी शायद, एक सेकेंड यार किधर है ये लोग, अरे भाई किधर है, हेलो इधर पे इतने सारे सिटीजन्स है। बट चलो फाइनली पहुँच गए, तो एम्बर के साथ मिल तो लिए, बट अच्छा ये मुझे कुछ प्रेजेंट गिफ्ट देना चाहती है, वाइंड ग्लाइडर। अच्छा ये मॉन्स्टैंड जो भी ये सिटी का नाम है, इधर का जितना भी लोग हैं ये लोग सारे वाइंड ग्लाइडर का यूज़ करती है, क्योंकि बिना वाइंड ग्लाइडर का हम लोग इधर पे जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इधर पे बहुत सारे स्ट्रोम आता है ना, तो जिस कारण मतलब स्ट्रोम टेरर आता है जिस कारण इधर पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, मतलब स्ट्रोम से इन लोगों का बहुत ज़्यादा डर है, ऐसा है क्या जिस कारण ये लोग ऐसे इतना बार बोल रहा है ये बात, जो भी हो। तो अभी इधर पे मैं तो आ चुकी हूँ, और ये वाला उड़ने का जो चीज़ दिया है
से मैं घंटा उड़ नहीं पा रही थी, मैं फिर से गिर ही गया इधर पे। तो चलो यार फाइनली इधर पे स्टॉर्म दिखने को मिल ही गया। फाइनली देखो चारों ओर काला पड़ चुका है, अभी बहुत ही भयानक वाला बारिश है। ये बारिश कहाँ हो रही है? तो ड्रैगन है, व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन गाइस। ये तो कोई ड्रैगन है जो कि अटैक करने के लिए आ चुका है इधर पे। वेट अ मिनट, ये मारना क्यों चाह रहा है हम लोगों को? हेलो शिट मैन, एक मिनट, इधर का जो स्टोरी लाइन है अपने को कुछ घंटा समझ में नहीं आ रही है। ओके 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 भाई, टॉर्नेडो आ चुकी है फाइनली और मैं इधर पे उड़ गई भाई। रुक रुक भाई, मर गया भाई साहब। इसलिए इस ग्लाइडर का ज़रूरत मुझे अभी पता चला। बट इधर पे ये ड्रैगन क्यों अटैक कर रहा है भाई? ये बारिश के साथ ये ड्रैगन क्यों आ रही है भाई? अलग ही लेवल का ये चीज़ हो रही है। जो भी हो इधर पे, एक सेकेंड, ये क्या हो रही है भाई? स्टॉर्म टेरर, व्हाट? मतलब अभी तक जो स्टॉर्म टेरर की बात करें वो कोई बारिश की बात नहीं हो रही थी, वो इस ड्रैगन की नाम थी। यार मैं कितना बड़ा उल्लू हूँ यार, मेरे को अभी तक लग रही थी स्टॉर्म टेरर आ रहा है, स्टॉर्म टेरर आ रहा है कह रहा है। तो मुझे लगा वाइन सिटी है, ऑब्वियसली इधर पे बारिश का ही बात हो रही है। बट नहीं यार, स्टॉर्म टेरर इज अ ड्रैगन ब्रो। तो चलो यार इसको मानना पड़ेगा अभी इधर पे भाई साहब। इसको मानने के लिए भाई मैं तो इसको मार दूंगी यार, इतना भी टफ नहीं लग रही है, मैं तो मार दे रही हूँ यार बहुत ही इजीली। और ये तो अटैक करने के जगह उल्टा भाग रही है। भाई भाई तेरा इज्जत विज्जत कुछ है भी? तू भाग रहा है मेरे से भाई, लड़ तो ले थोड़ा सा भाई। ये उल्टा भाग रहा है और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी थी जिस कारण मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल कर लेती और फाइनली इसको भगा देती हूँ। और ये भाग कैसे रही है भाई? नहीं मैं कर रही हूँ कुछ भाई, मेरे को मारने के लिए आ रहा है क्या? ऑल राइट गाइस, इधर भी ये भाग चुका है, डर गया मेरे से। तो अभी इधर से ये वाला चीज़ तो देखो आप लोग समझ ही गए होंगे, इधर पे मेरे पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको मार तो देती हूँ। बट ये कौन आ रहा है? ओ भाई, गेम का हीरो आ गया आई थिंक। अगेंस्ट द ड्रैगन, आर यू अ न्यू एलाय और अ न्यू स्टॉर्म? ऑलराइट, Storm Terror is attacking Mondstadt itself. अच्छा तो इधर पे ये जो बंदा है, you've come at the right time. We must... अच्छा ये किया बोल के कुछ एक बंदा है, मतलब इसका नाम किया है, किया जो भी नाम है इसका। तो ये अभी बोल रहा है कि Storm Terror के साथ लड़ना कोई मामूली बात नहीं थी, जो कि तुमने इसके साथ अकेले में ही लड़ लिए जो कि बहुत ही एक बड़ी बात है। अभी ये किया जो है ये है अपना कैवलरी कैप्टन, ठीक है ना? क्या एक कैवलरी कैप्टन है जो कि पता नहीं कौन सा कैप्टन है, जो भी हो। तो इधर पे मैं जब उससे पूछती हूँ कि आप लोग वैसे बचते कैसे, तो इसने बोला कि जीन है, जीन के मदद से, मतलब जीन के वजह से हम लोग जीन के अंडर में ही रहते हैं, तो जीन ही इन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और फैबिनियस जो है, फैमिनियस का जो ग्रैंड मास्टर है वो अभी मुझे बुला रहा है, मतलब मॉन्स्टर्स का, मतलब ये जो सेटी है, इस सेटी का जो ग्रैंड मास्टर है वो अभी मुझे बुला रही है कि उसको मुझसे बात करना है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, मेरे पास इतने ज़्यादा पावर है, तो मैं आगे जाके इन लोगों के काम पे भी लग सकती हूँ और बहुत ज़्यादा मदद भी कर सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ें बोला जो भी हो। तो अभी मुझे इधर पे जाके उनसे मिलना होगा, क्योंकि मैंने इतने बड़ा स्टॉर्म टेरर को हराया, मतलब इतना बड़ा ड्रैगन को हरा दिया जो कि इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अकेले से एक ड्रैगन को हराना मुश्किल की बात है। तो जो भी हो मुझे तो पता नहीं ये कितना बड़ा चीज़ है, क्योंकि मेरे लिए तो अभी इधर पे इजी था। तो जो भी हो अभी मुझे इन लोगों से जाके मिलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी और नेक्स्ट डे जाके इन लोगों से मिलने के बाद प्लान भी करेंगे, उसके बाद कैसे वाइंड गॉड को हरा पाएंगे उसके बारे में भी प्लान करना है, अपने भाई को भी बचाना है। तो अभी तक तो नहीं पता कैसे सारी चीज़ों को कम्प्लीट करेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है ना? इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो होप यू गाइस आर रियली एंजॉयड माई फेट, है ना? और आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नए सी गेम ब्लॉग लेके, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।